हेलो फ्रेंड, आई एम सुरेश पटेल एंड वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज। एंड फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे न्यूटन रैफसन मेथड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में फिर से हम न्यूटन रैफसन मेथड बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमें न्यूटन रैफसन मेथड में अंडर रूट 12 दिया हो तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है कि इवन 12th करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैफसन मेथड। तो इसको क्या न्यूटन रैफसन मेथड से हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर उसमें जो अंडर रूट 12th है इसमें क्या हम कंसिडर एक्स करेंगे, एक्स इजकल अंडर रूट 12th। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम रूट को हटाएंगे तो एक्स के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर इजकल 12। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 12th को इस इक्वल किस साइड ले जाएंगे, तो जो प्लस का है इस साइड, माइनस का होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इजकल एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हमने न्यूटन रैफसन मेथड का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही बाकी इसमें समझने की चीज़ सिर्फ यही थी कि स्क्वायर हम किधर करेंगे और रूट को कैसे हटाएंगे वाला। बाद में जो प्रोसेस है सेम टू सेम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट, वैसे ही है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, बाय न्यूटन रैफसन मेथड फॉर्मूला। जो है न्यूटन रैफसन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे, एक्स एन प्लस 1 इजकल एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, यही कह रहे थे। उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे ये हमने इक्वेशन बनाई है एफ ऑफ एक्स इजकल एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसके यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स एक्स है, जैसे कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक्स एन को पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट एक्स इजकल एक्स एन इन एफ ऑफ एक्स मीन्स इस इक्वेशन में जो हमने बनाया है इसमें हम एक्स की जगह पर एक्स एन को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ये है एफ ऑफ एक्स इजकल एक्स स्क्वायर माइनस 12, उसमें एक्स की जगह पर एक्स एन पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एन इजकल एक्स एन स्क्वायर माइनस 12। और जो फर्स्ट जहाँ पर हमने एक्स के जगह पे एक्स एन पुट किया उसको क्या हम जो न्यूटन रैफसन मेथड है उसके एफ ऑफ एक्स एन के जगह पे हम पुट करेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने पुट किया था। और उसके बाद में ये जो है एफ ऑफ एक्स एन इजकल एक्स एन स्क्वायर माइनस 12, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, 2xn। ठीक है, तो इसको हम एफ और डैश एक्स एन को क्या कर उसके जगह पर रख देंगे यहाँ पर न्यूटन रैफसन मेथड फॉर्मूले में। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला तैयार होगा कैसे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, वापस न्यूटन रैफसन मेथड जो है एक्स एन प्लस 1 इजकल एक्स एन माइनस, जहाँ पर हमने जो इक्वेशन फर्स्ट लिया है ये वाला एफ ऑफ एक्स एन, उसके जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 रख देंगे। ठीक है, रख दिया एक्स स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर माइनस 12, और जो एफ डैश एक्स एन इजकल 2xn है उसको हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे 2xn। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में करा था, तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े हो तो पिछले लेक्चर में जाकर देखो, तो वहाँ पर आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा न्यूटन रैफसन मेथड का। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो 2xn है इसको xn से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xn को xn से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xn स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का माइनस xn स्क्वायर का xn स्क्वायर, और जो माइनस सिंबल है तो यहाँ पर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस और 12 का 12। ठीक है,
और 2xn का 2xn, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, xn प्लस वन इजकल xn स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। ऐसे सोल्व करके हमको, इसको सोल्व करके हमको फाइनल क्या फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, xn प्लस वन इजकल xn स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2xn, ठीक है। ये फाइनली हमको फॉर्मूला प्राप्त हो गया जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में प्राप्त किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन बनाए थे हम f ऑफ x इजकल x स्क्वायर माइनस 12, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पहले 0 पुट करेंगे, उसके बाद में वैल्यू प्राप्त करेंगे, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, उसके बाद में वन पुट करेंगे, फिर वैल्यू चेक करेंगे निगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा, उसके बाद में जब हमको वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट निगेटिव और पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पर स्टॉप कर देंगे और फिर स्टेप वन स्टेप टू करके आगे सोल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स इजकल एक्स स्क्वायर माइनस 12 में सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन क्या है हमारे, एफ ऑफ एक्स इजकल एक्स स्क्वायर माइनस 12, यही है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0 इज कल एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या 0 का 0 आएगा, माइनस 12 का माइनस 12, तो फाइनली हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस 12। तो निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रहा है तो निगेटिव, उसके बाद में इस इक्वेशन में हमारा एफ ऑफ एक्स इज कल एक्स स्क्वायर माइनस 12 में एक्स के जगह पे वन पुट करेंगे, तो एक्स के जगह पे वन पुट करने पर एफ ऑफ वन इज कल वन माइनस 12, कैसे, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, ठीक है, वन इंटू वन मीन्स वन, तो वन माइनस 12, ठीक है, वन माइनस 12 तो क्या हमको प्राप्त होगा, माइनस 12, अगेन निगेटिव वैल्यू प्राप्त हुआ है तो हमें और फिर एक्स का जगह पे टू पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, ऐसे जब तक कि हमको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाता, तो अब हम एक्स की जगह पे टू पुट करेंगे। अब हमारा इक्वेशन, इक्वेशन ऊपर फिर से यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इजकल एक्स स्क्वायर माइनस 12, यही है, ठीक है। इसमें इक्वेशन में हमारा एक्स के जगह पर टू रखने पर, तो एक्स बराबर टू रखने पर क्या होगा, एफ ऑफ टू इजकल टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, ठीक है, फोर होता है, टू इंटू टू मीन्स फोर, ठीक है, फोर माइनस 12 तो हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस 8, ठीक है, फोर माइनस 12 तो माइनस 8, अगेन निगेटिव वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है तो हम क्या करेंगे एक्स के जगह पर और अब तीन पुट कर देंगे, क्योंकि जब तक हमको पॉजिटिव वैल्यू नहीं प्राप्त होता, वैसे हम तीन पुट करेंगे तो एफ ऑफ थ्री इजकल थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस 12 तो हमको क्या प्राप्त होगा, अगेन थ्री, निगेटिव वैल्यू अगेन प्राप्त हो रहा है, तो फिर से हम पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक्स के जगह पर फोर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ फोर इजकल फोर का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 माइनस 12, कैसे 16, फोर इंटू फोर मीन्स 16, ठीक है, तो 16 माइनस 12 मीन्स फोर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो गया हमको, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, और जहाँ पर भी हमके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट प्राप्त हो जाता है वहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, जैसे कि हमने बाइसेक्शन मेथड में पढ़ा और न्यूटन रैफसन मेथड के पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमको थ्री और फोर के बीच प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब थ्री और फोर को प्लस कर देंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, और एक्स नॉट और एक्स नॉट मीन्स या एक्स जीरो का हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कर करके हम प्राप्त कर लें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक्स बराबर थ्री रखने पर और एक्स बराबर फोर रखने पर हमको ऑपोजिट वैल्यू प्राप्त हुआ है, तो हम क्या थ्री और फोर को ऐड कर देंगे, तो रूट लाइज बिटवीन थ्री एंड फोर, तो थ्री और फोर को ऐड कर देंगे, एक्स जीरो बराबर थ्री प्लस फोर
और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त क्या होगा, 7 बाई टू, तो x0 बराबर 3.5 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम जो फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके निकाला था उसके अंदर हम इनका वैल्यू पुट करते जाएंगे, और स्टेप वन स्टेप टू जहाँ पर भी n रहेगा n के जगह पर इनका वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम फाइंड आउट कर जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, मैं एक बार आपको रिटर्न बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद आया, हमने फाइंड आउट किया था एक्स एन प्लस वन इसकल एक्स एन स्क्वायर प्लस ट्वेल्थ अपॉन 2xn, तो इसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में n जहाँ पर भी है, जो हमारा ये फॉर्मूला जो हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले n के जगह पर 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि n के जगह पर 0 पुट करते, हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स एन प्लस वन इजकल एक्स एन स्क्वायर प्लस ट्वेल्थ अपॉन 2xn, यही था। तो यहाँ पर हम जहाँ पर x है, यहाँ पर n है, n वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे पहले, तो n बराबर 0 पुट करेंगे फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो x1 बनेगा, x1 इजकल x0 या एक्स नॉट स्क्वायर प्लस ट्वेल्थ अपॉन 2x0 या x0 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब x0 का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हमको, 3.5 प्राप्त हुआ, तो x0 की जगह पे हम 3.5 पुट कर देंगे, तो 3.5 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 × 3.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x0 है तो वहाँ पर 3.5, और यहाँ पर भी x0 है तो वहाँ पर भी 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, कैंसिल ले लेता हूँ मैं, तो क्या आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर 12.25 हो रहा है प्लस 12, तो क्या हो रहा है, 24.25। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाला क्या है, 2 × 3.5, तो 7 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे, 24.25 डिवाइड बाय 7, तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है, 3.464285714, तो इसको हम लिख लेंगे 3.4642। 4 डिजिट हमको करना है ना, तो हम 4 डिजिट का ही लिख लेते, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको 4 डिजिट मैच करना है। तो x1 का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया हमको, 3.4642 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला है, यहाँ पर n के जगह पे 0 पुट किया था, अब n के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो हमको x1 जस्ट मिलेगा, उसके बाद में x1 का वैल्यू पुट करके फिर स्टेप टू बना लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू में n के जगह पे 1 पुट करेंगे, n, तो x2 फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो x2 इजकल x1 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2x1, ये मिलेगा। ठीक है, अब x1 का वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो x1 के जगह पे हम x1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3.4642 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 × 3.4642। ठीक है, क्योंकि x1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब 3.4642 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 कर देंगे, तो हमको प्राप्त होगा 24.0068164। ठीक है, और 2 × 3.4642 कर देंगे, तो 6.9284 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गई थी।
है दोस्तों, तो हम क्या 24.00681.64 को 6.9284 से डिवाइड कर देंगे तो हमको x2 का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा, 3.4641। ठीक है, अब जो x2 का वैल्यू है उसको हम थर्ड स्टेप में पुट करेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, अब यहाँ पे हम n के जगह पे 0 और 1 रख के, जहाँ पर भी n n है वहाँ पर 0 और 1 रख के सिंपल आउट कर लिया। अब यहाँ पर क्या कर रखेंगे, हम 2 रख के थर्ड स्टेप निकालेंगे। तो दोस्तों थर्ड स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम n के जगह पे हम 2 को पुट करेंगे, तो x3 प्राप्त होगा हमको। तो x3 इसकल x2² + 12 / 2x2। ठीक है, अब x2 का वैल्यू हमको क्या लास्ट टाइम प्राप्त हुआ है, 3.4641 प्राप्त हुआ है, तो 3.4641 का स्क्वायर प्लस 12 / 2 × 3.4641। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 3.4641 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 11.999888 + 12, तो क्या मिल रहा है हमको, मीन 24.0084। ठीक है, उसके बाद में 2 × 3.4641 करेंगे तो 6.9282। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 24.0068164 / 6.9284। ठीक है, तो हमें फाइनल क्या मिल जाएगा, 3.4641। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 3.4641। ठीक है, ये एक x3 क्या वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है, 3.4641, और x2 का क्या प्राप्त हुआ था, x2 का वैल्यू भी हमें 3.4641 मिला था। तो x2 का वैल्यू 3.4641 और x3 का वैल्यू 3.4641 दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि हम 4 डेसिमल डिजिट निकालना था। तो फिर उसके बाद में हम क्या कर देंगे, मैच कर गए आंसर, तो हमारा यही आंसर हो गया, और लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड रूट इज 3.4641 करेक्ट फॉर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इस न्यूटन रैफसन मेथड को सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।